वहीं दिल्ली और पंजाब में भी सियासी भूचाल के संकेत नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश करे। हमारे विधायकों को पैसे और पद का लालच दिया गया है, वाई प्लस सिक्योरिटी का लालच दिया गया है। प्रेस वार्ता करके बताया किस तरीके से उनको फोन आए, उनको पैसों का, पद का, लोकसभा के चुनाव लड़ने का, वाई प्लस सिक्योरिटी का लालच दिया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पंजाब की चौथे नंबर की पार्टी है, ये बात समझ के परे है कि कोई आदमी जीती हुई पार्टी को छोड़ के चौथे नंबर पे पार्टी जो है और जो चौथे पे आएगी उसमें क्यों जाना चाहेगा। जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। सवाल उपराज्यपाल ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, क्या आपको आशंका है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उनको बिल्कुल उसकी गरिमा का एहसास नहीं है।